इस साल कड़े इंतजाम और वरीय अधिकारियों की लगातार चौकसी के कारण पंडालों के आसपास हंगामा नहीं के बराबर हुआ, लेकिन बंद घरों का ताला तोड़ चोरों ने खूब चांदी काटी। इस साल पूजा पंडालों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी। लोग भी मेला घूमने घरों से निकले, लेकिन चोरों ने बंद घरों का ताला तोड़कर खूब उत्पात मचाया। धनबाद के भूली, पुटकी, गोविंदपुर, कतरास सहित अन्य जगहों पर मेला घूमने गए लोगों के घर का ताला तोड़कर सामान चुरा लिए। गोविंदपुर में बैंक कॉलोनी सबलपुर निवासी दवा कारोबारी महेश पाठक के बंद घर से 22 अक्टूबर की रात को 5 लाख की संपत्ति की चोरी हो गई। घर में ताला बंद कर परिवार के लोग अपने पैतृक गांव बोकारो गए थे। श्रीनगर पुटकी निवासी राम प्रवेश प्रसाद के आवास का ताला तोड़कर चोरों ने हजारों की संपत्ति चुरा ली। भूली श्याम नगर स्थित कैलाशपुरी कॉलोनी में मंगलवार की रात चोरों ने दो घरों से लाखों रुपए की संपत्ति की चोरी कर ली। ईस्ट बसुरिया क्षेत्र में दो घरों का ताला तोड़कर मंगलवार की रात नकदी सहित लाखों रुपए मूल्य के सोने व चांदी के जेवरात की चोरी कर ली गई। दशहरा के दिन अधिक घटनाएं हुई हैं। पूजा पंडाल के आसपास तो नहीं, लेकिन सड़कों पर दुर्घटनाएं भी कम नहीं हुई। हाई स्पीड बाइक इसके कारण बने। धनबाद के बरमसिया में तो एक युवक की पूजा के दौरान पीट पीट कर हत्या कर दी गई। उसका कसूर इतना ही था कि वो सड़क पर खड़े युवकों को हॉर्न बजाकर हटने को कह रहा था। इसी बात को लेकर उसकी हत्या कर दी गई। उसकी बाइक को तालाब में डाल दिया गया था। नेशनल हाईवे सहित जिले की सड़कों पर पूजा के दौरान 80 से अधिक छोटी मोटी दुर्घटनाएं हुई। अगर धनबाद के SNMCH के आंकड़े की बात की जाए तो अष्टमी के दिन कुल 7 लोगों को इमरजेंसी में लाया गया, नवमी के दिन 19 लोगों को और दशहरा के दिन 21 लोगों को इलाज के लिए पहुंचाया गया। 25 लोगों को मरहम पट्टी करने के बाद छोड़ दिया गया। धनबाद जिले में हाई स्पीड बाइक, प्रेशर हॉर्न, ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करना शहर की सड़कों सहित NH पर अवैध कट दुर्घटना के कारण बनते हैं। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।